अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रज़ा। आई एम डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर, ब्लॉगर, व्लॉगर एंड कंसल्टेंट। लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, व्हाट्स योर बेस्ट टिप फॉर बिजनेस स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? क्या वो टिप है जो आप देंगे हमें? सो मैं इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। हाँ जी, सो इफ़ यू आस्क मी, मेरे से अगर आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट टिप, तो आई बिलीव कि मैं कहूँगा, अभी हालांकि इवन कुछ दिन पहले मेरी किसी दोस्त से बात भी हो रही थी, तो उसने भी मुझे यही क्वेश्चन किया, तो मैंने यही जवाब दिया, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। अगर आप अक्सर लोगों से पूछें कि ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है, नहीं हो रही कामयाब, दे मे विल थिंक के दे आर नॉट श्योर कि ये कामयाब होगी या नहीं होगी। बट इवन अगर उनको अच्छी लगेगी, वो कह देंगे हाँ जी, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, बट दे आर नॉट श्योर, वो कन्फर्म नहीं है कि ये कामयाब होगी या नहीं होगी। बिकॉज देर इज़ ओनली वन थिंग विच इज़ श्योर, एंड दैट इज़ कि अगर आप कंसिस्टेंट रहें विद वट एवर यू डू, विद वट एवर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, इफ नॉट टूडे देन प्रॉब्ली इन द फ्यूचर। सो द ओनली स्ट्रैटेजी विच आई बिलीव के या बेस्ट टिप इन माई ओपिनियन इज टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी के साथ छोटी चीज़ भी इवेंचुअली जब लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं ना, और आप बार बार क्लिक करते रहते हैं ना, तो वो इवेंचुअली नोटिस होना शुरू हो जाती है, और लोग फिर उसको फोकस करते हैं और लोग उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। गेरी विनरचिक इज अ फेमस यूट्यूबर, उसके मैंने वीडियो देखी पिछले दिनों, इट वाज के अराउंड 10 ईयर्स अगो, लोग मुझे नहीं जानते थे, लोग मुझे नहीं पहचानते थे, एंड इट्स क्वाइट ट्रू। उसकी अराउंड 1000 वीडियोस आई, उसके बाद जाके लोगों ने उसको नोटिस करना शुरू किया, उसको पहचानना शुरू किया, और उसके बारे में पता चलना शुरू हुआ, और उसको एक इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुई, और इवेंचुअली वो एक जो है ना कामयाब बंदा बन गया। इवन केसी नेस्टैट है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग हिम करेक्टली, बड़ा बड़ा मशहूर यूट्यूबर है। ही स्टार्टेड हिज यूट्यूब एंड व्लॉगिंग इन 2001, बट ही गॉट द अटेंशन इन 2015, यानी कि 2001 से काम शुरू किया हुआ, और 2015 में जाके उसने लोगों को नोटिस हुआ, और इवेंचुअली ही बिकम अ वेरी फेमस यूट्यूबर, व्लॉगर एंड फेमस सेलिब्रिटी बनता गया। सो व्हाट पीपल थिंक इज एन ओवरनाइट सक्सेस, इट मे टेक देम ईयर्स टू मेक इट रियली हैपन। बट अगर आप उठा के देखें किसी भी मोस्टली बड़े एंटरप्रेन्योर्स को, मोस्टली आप बड़े बिजनेस पर्सन को उठा के देख लें, सक्सेसफुल लोगों को उठा के देख लें, तो दे हैव वन थिंग इन कॉमन, एंड दैट वॉज बी कंसिस्टेंट एंड नेवर लूज अप। यानी कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, करे जाए एंड बी कंसिस्टेंट एवरी डे विद अ न्यू होप, न्यू पैशन, न्यू एनर्जी, बट कीप ऑन डूइंग। इवन अ स्मॉल स्टेप इज गोइंग टू लीड यू टू सक्सेस, इवन नॉट टूडे, मे बी टमोरो। बट द थिंग इज के उनमें चीज़ थी कि यार वो जो भी है वो कंसिस्टेंट रहते हैं, और सो कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ करने के लिए। बिकॉज लेट से आज आपने एक प्लान किया है कि मैंने अपने एक ब्लॉग बनाना है, या मैंने एक आर्टिकल लिखना है, या मैंने अपने यूट्यूब का चैनल खोलना है, सो आपका आज एनर्जी लेवल बहुत ऊपर है, कल ये आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। एक वीडियो के बाद जब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, एक आर्टिकल के बाद वो जो व्यूशिप नहीं मिलेगी, तो आप वहीं हिम्मत हार देंगे, कहेंगे यार छोटो पर मेरे बस की बात नहीं है, और दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू लूज। और सो दिस इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एज वेल, बिकॉज दिस इज द सेम थिंग इन मार्केटिंग, के मार्केटिंग में भी पीपल डोंट नोटिस यू ऑन द ऑन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। या देर आर स्टोरीज जहाँ पर लोगों की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ऊपर चले जाते हैं, बट मोस्टली ये स्टोरीज एस्टैब्लिश ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड होती है। बट मेजर ब्रांड्स और मेजर इवन एस्टैब्लिश कंपनीज के साथ दे हैव अ वन थिंग इन कॉमन, दैट दे रिमेन कंसिस्टेंट एंड दे कीप ऑन ट्राइंग एंड दे कीप विद फ्रेश एनर्जी, विद मोर एनर्जी। सो दैट इज द अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। कैसी रहा मेरा ये वाला ब्लॉग, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब आई मीन वॉज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, और किस टाइप की मेरी वीडियोस बनानी चाहिए उसके बारे में बताएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी आउट। थैंक यू।